ओम शांति। ओम शांति विनेश भाई और कारली बाग परिवार और सब नैरोबी निवासी प्रतिभा बहन का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो भाई और बहनों हमें बांधा हुआ है, क्योंकि आज बहुत जल्दी प्रतिभा बहन को दूसरा भी प्रोग्राम है, इसलिए 5 मिनट जल्दी लॉगिन भी करवाया, तो ज्यादा आज समय बिल्कुल नहीं लेंगे। और बोले बहन डॉक्टर साहब है? हाँ नीचे है, अभी आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, विनेश भाई आपको सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है ना? क्लियर? बिल्कुल 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 क्लियर है। भले आपका अनुभव शुरू करें। तो अनुभव की जब बात करते हैं तो भक्ति में या लौकिक दुनिया में ऐसा माना जाता है कि अनुभव जब होता है, किसी का साक्षात्कार हुआ, कोई अनुभूति हुई, तो किसी को भी बताओ नहीं, बताएंगे तो वो कम हो जाएगा या कभी नहीं होगा। और बाबा के यज्ञ में कंप्लीटली ऑपोजिट है। जिस दिन से आते हैं अनुभव ही सुनाना है और सुनना है। और बाबा हमेशा कहता है कि अनुभवी से अनुभवी बनो। और दूसरा कि जितना जितना आप शेयर करेंगे उतना उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो वो हद और ये बेहद बहुत ही अलग है। और आज हम अनुभव शेयर करेंगे कि जो हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की गॉडली स्टूडेंट लाइफ, उसमें 4 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा ने हमेशा कहा है कि चारों ही सब्जेक्ट में समान बनना है। उसमें जो बाबा के बच्चे हैं, कोई को ज्ञान बहुत अच्छा लगता है लेकिन योग में रुचि नहीं है, और कोई को सेवा बहुत अच्छी लगती है, धारणा में रुचि नहीं है। तो एक बार हमारी बातें चिटचैट चल रही थी, किसी ने मुझे कहा कि आप जब सप्ताह कोर्स कराते हो तो उसमें क्या क्या समझाते हो। तो हमने बताया, तो मेरे को किसी ने बोला मैं है ना धारणा का बहुत कुछ नहीं बताता हूं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत नशे से शुरू के दिनों में लोग फ्लाई करते हैं। तो मैंने भी नोटिस किया है कि आत्मा, परमात्मा, 3 लोग, ये सब लोगों को बहुत पसंद है, नशा चढ़ जाता है। लेकिन जब ड्रामा की बात आती है और आइडेंटिकल रिपीट होता है, वो आता है, तो लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब धारणा की बात आती है, योग तक तो सब नशे में रहते हैं कि हमको योग सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, लेकिन जब धारणा की बात आती है ना तो फिर डाउन हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हम वो थोड़ा कम कर देवे या कम परोसे, क्या करें? एक बार किसी को मैं कोर्स करा रही थी, काफी नामी ग्रामी थे, तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि आप लोगों का जो ये नॉलेज है ना ब्रह्मा कुमारी का, मैं वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड कर सकता हूं, खाली उसमें से अब थोड़ा ये पवित्रता, अन्न का मन पर असर, ये थोड़ा कम कर दो, निकाल दो, इतना कंपल्सरी नहीं रखो। तो वाइल्ड फायर की तरह आपका ये एक्सपेंशन होगा। तो मैंने कहा कि सिर काट देवे और गला काट देवे, उस ज्ञान से आत्मा को निकाल देवे, और फिर वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करने से क्या फायदा है, वो तो मुर्दा है। तो बोला नहीं, लेकिन यही चीजें लोगों को ब्रह्मा कुमारी से दूर ले जाती है, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, ये सब्ट्रैक्ट करके लोगों को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान
स्प्रेड करे या फिर जो जैसा है जिस रूप से है हम उनको वो ही देवे जो इस परिवार का या क्लैन का होगा वो आत्माएं आ जाएगी और जग जाएगी। या तो उनका समय राइट नहीं होगा तो समय राइट हो जाएगा और या तो वो ये क्लैन की आत्माएं नहीं है। तो हम बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं कि थोड़ा भी ज्ञान में या धारणा में कोई फर्क करे। जो बाबा ने जैसे दिया है वैसा ही मुझे भी फॉलो करना है और औरों से भी शेयर करना है और औरों को भी हम प्रेरणा दे कि आप भी ऐसे ही करो। तो एक है भाषण। भाषण तो लोग रुचि से कर लेते हैं, दुनिया में भी भाषण करने वाले हमारे से भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन भाषण में से फिर एक है भाषा। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी भाषा शायद परफेक्ट नहीं होगी। एक बार किसी ने मुझे बोला कि आपकी हिंदी है ना थोड़ी गुजराती जैसी है, तो मैंने कहा मैं गुजराती हूं तो गुजराती ही होगी ना, हमारी हिंदी गुजराती ही होगी, और दूसरा कि हम गुजरात में ही ये सीखे हैं तो गुजराती ही होगी। तो कहने का भावार्थ कि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन भाषा से भी जास्ती भाषणा देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे इतनी भाषा को परफेक्टली बोल नहीं सकते हैं और हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, लेकिन वो भी कितना मीठा लगता है, वो भाषा भी मीठी लगती है। तो उतनी भाषा कहो जैसी भी कहो तो मीठी मीठी लगती है। तो मुझे फोकस खाली भाषण पे नहीं करना है कि मैं एक बहुत अच्छा भाषण देने वाला बनूं, जो कईयों का फोकस वो रहता है कि आप बहुत अच्छा सुनाते हो, आपका भाषण सुनने का बहुत मन है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो वही जगह पर हम स्टक हो जाएंगे और औरों को भी स्टक कर देंगे। फिर भाषा भी कईयों की बहुत स्पष्ट होती है, टू द पॉइंट होती है, जो समझने में बहुत आसान होता है। लोगों को लगता है कि जब ये सुनाते हैं ना तो उनकी भाषा से ऐसे लगता है कि हम वो प्रैक्टिकली वो जगह पर पहुंच जाते हैं, वो सिनरी में पहुंच जाते हैं। वो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन भाषा से भी जास्ती हमें भाषणा में जाना है कि मैं लोगों को इंस्पायर कैसे करूं। क्योंकि क्या है, पहले दो जो है ना भाषण और भाषा, उससे हम आत्माओं को इंस्पायर नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हिंदी में तो मुझे वो दो शब्द का पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक है इन्फ्लुएंस और दूसरा है इंस्पायर। तो प्रेरणा मुझे पता है लेकिन इन्फ्लुएंस मुझे पता नहीं है। तो इन्फ्लुएंस जब तक मैं हूं, मेरा इन्फ्लुएंस है, तब तक उनका नशा रहेगा। प्रभावित करना। हमारी भाषा से प्रभावित करना, हमारी पर्सनैलिटी से प्रभावित करना, तो वो जब तक हम है वो प्रभावित रहेंगे, और जब मैं नहीं हूं तो वो प्रभाव फ्रिजल आउट हो जाएगा। तो उसमें मजा नहीं है। लेकिन इंस्पिरेशन हम है या नहीं है, वो जैसे अंदर से आता है और वो जिंदा रहेगा और मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो आज हम एक्सपीरियंस सुन रहे हैं वो कॉन्शियसनेस से, कि मैं सुना भी रही हूं वही कॉन्शियसनेस से कि आपको इंस्पायर करना है, ताकि आपके ज्ञान मार्ग में भी जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आवे तब आप उसका सामना कैसे कर सके। तो जैसे मैंने आपको रिफाइन किया ये तीन शब्द और दो शब्द इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन,
तो आज हम इंस्पिरेशन के आधार से, तो हमेशा बाबा ने ये कहा है चारों ही सब्जेक्ट में समान, तो जो चेक करो कि मुझे ज्ञान में बहुत रुचि है, योग में नहीं है, सेवा में बहुत रुचि है, धारणा में नहीं है, तो जो थोड़ी थोड़ी कमी है उसको चेक करके उसको हम परिवर्तित करें, चेंज करें। तो हमने भी शुरू शुरू में वही किया, हम बहुत छोटे आए थे ना ज्ञान में, तो नेचुरली नोइंगली और अननोइंगली मुझे सबसे पहले ज्ञान बहुत पसंद आया कि ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, इतना तो पक्का था। और दूसरा कि जब हमने सृष्टि चक्र की बात सुनी तो अंश मात्र भी हमको ये नहीं लगा कि 5000 वर्ष बस यही रिपीट होता जाएगा, कभी नहीं। बहुत ही बुद्धि में जैसे इतना अच्छी तरह से फिट हो गया कि जैसे कल्प पहले फिट हुआ था, कल्प पहले की बात है, निश्चय बुद्धि से हमने वो भी स्वीकारा। धारणा तो टॉप मोस्ट हमको सबसे अच्छे से अच्छा लगा पवित्रता, जो दुनिया में कोई जल्दी हमको पवित्रता का ज्ञान नहीं देता है, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या लगा, सेवा। सेवा के लिए हम भागते थे, बहने जब सेंटर में बुलाती थी कि आज हमको ये स्टोर रूम क्लीन करना है आप आ जाना वीकेंड को, तो हम भागते थे। या हमें बहनों को कुछ बात में हेल्प करना है, पब्लिक प्रोग्राम है, तो नेचुरली तब तो हमको भाषण तो नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी हम भागते थे। तो सेवा का सब्जेक्ट हमारा टॉप था और ज्ञान का भी टॉप था। धारणा तो हमने बहुत छोटेपन में शुरू की, पवित्रता तो थी क्योंकि हम बहुत छोटेपन से आए थे, लेकिन मनसा वाचा और कर्मणा उस टाइम में ये टेलीविजन, ये मैगजीन्स, ये यूट्यूब, क्या बोलते हैं अब सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं था। तो हमारा चाइल्डहुड बहुत इनोसेंट और प्योर था, बहुत प्योर, नेचुरल प्योरिटी मनसा वाचा कर्मणा में थी। जैसे आप कहो ना एक कोरा कागज है, और कोरे कागज पे या तो आप स्क्रिबल करो और या तो आप लिखो। तो बाबा ने ये कोरे कागज के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख ली, और वो लिख लिया, ऐसा लिखा कि जैसे हमारे रग रग में वो चला गया। तो हमने खाने की धारणा भी बहुत छोटेपन से की, नॉट बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने बोला, हमारे पेरेंट्स ने कहा हम ऐसा करेंगे, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई हर्जा नहीं। जैसे ऑनियन गार्लिक खाना, बाहर का खाना खाना, तो हमने भी धीरे धीरे फॉलो कर लिया और पूरा फॉलो किया। इतना इनोसेंस लेकिन इतना प्यूरिटी कि पूरा फॉलो किया। तो ऐसे करते धारणा भी हमारी पक्की हो गई। लेकिन योग में हमारी वेदांती बहन और बहनों ने बहुत जैसे खेलते पाल खेल खेल में हमको योगी बना दिया। ऐसे नहीं लगा कि हम भट्टिया कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं। और अभी रियलाइज करें ना तो घंटों घंटों तक हम बच्चे मेडिटेशन में बैठते थे और अच्छा लगता था, क्योंकि हमने वो फोर्स नहीं किया, इम्पोज नहीं किया हमारे ऊपर, लेकिन जैसे बहुत नेचुरल फ्लो था। तो मैं आपको पहले तो एक बहुत सिंपल लेकिन अच्छी बात, खाने की धारणा की बात सुनाती। तो हमने बताया आपको कि हम लोग खाने की धारणा में बहुत पक्के थे। 13 साल की उम्र, 13 and a half years की उम्र से हमने बाहर का खाना कभी नहीं खाया, और जन्म से हमने होटल का खाना नहीं खाया क्योंकि हमारी मदर को पसंद नहीं, हाइजीन और क्लीनलीनेस के कारण। वो आधी रात को भी आपको बना करके खिलाएगी, लेकिन बाहर का खाना कभी हमने आज तक होटल का खाया नहीं है। लेकिन जैसे कहते ना कि
ज्ञान में आने के बाद तो कभी टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं। तो ऐसे करते करते एक बार मैं सेवा में हांगकांग गई थी। हाँ, तो उससे पहले एक बात बताऊं कि उस टाइम में तो अभी और तब की धारणा में बहुत रात दिन का फर्क था, जो हमारा फर्क नहीं पड़ा है, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन मैं देखती हूँ कि अभी यज्ञ में बहुत जैसे वो थोड़े लिनियन हो गए हैं। किस रूप से? तो हमको कहते ये बिस्किट से ना, पैकिंग तो टाउन का ही है, लेकिन कहते हैं ये है ना फलानी जगह पर हमारे भाई की फैक्ट्री है, वहां बनता है, तो भाई भेजता है, तो बिस्किट्स खा सकते हैं। फिर ये है ना मशीन से बनता है, तो ये ब्रेड खा सकते हैं। और ये है ना आइसक्रीम, वो भी मशीन से बनता है, तो ये खा सकते हैं। मैं मानती हूँ केचप है, टमेटो सॉस है, मैं मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम में मशीन इतने नहीं थे, और अभी बहुत मशीन्स है, वो मैं मानती हूँ। सब जगह दादियों ने हमको छुट्टी दी है कि ब्रेड भी आप तैयार खा सकते हो, क्योंकि मशीन से बनती है, क्योंकि भाई लोगों को तो रोटी बेलना और ये सब आता नहीं है कईयों को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं छूट ले लू। लोगों की परिस्थिति, वो तो बाबा ने कहा आर्मी में रहने वाला बाबा को याद करके भी खा सकता है। तो मेरे पास चारों तरफ सुविधाएं है, और मैं भी कहूँ नहीं चलो मेरे नेबर ने कुछ भेजा है तो मैं भी बाबा को याद करके खा लू। इसमें बहुत फर्क है, एटीट्यूड में बहुत फर्क है, सिचुएशन अलग बात है। तो हमने कभी भी बाहर की रेडीमेड ब्रेड भी नहीं खाई थी। हमारी मदर को नहीं आता था बनाना, उसने इतनी मेहनत की और बनाना शुरू किया। मधुबन में फर्स्ट ब्रेड दादियों के लिए हमारी लौकिक मदर ने बनाया। उसके बाद फिर छोटी सी बेकरी बनी यशवंत भाई के किचन में, और उसके बाद फिर अभी देखो तो बेकरी तो अनबिलीवेबल है, वेरी प्रोफेशनल। तो मुझे याद है कि हमारी मदर ने घर से ही बना करके हमको सब कुछ खिलाया। तो मैं ना सरेंडर हो गई, काफी साल हो गए, और मैं हांगकांग सेवा में गई थी। तो वहां पर क्लास के बाद नेचुरली मैं उनकी गेस्ट हूँ, तो मुझे टेबल डाइनिंग टेबल पर बिठाया डाइनिंग ब्रेकफास्ट के लिए, और मुझे पूछने आए कि आप क्या खाएंगे। तो मैंने कहा जो सब खाते हैं वो मैं खाऊंगी, कोई लर्चा नहीं, मेरे लिए कोई स्पेशल चीज बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलते ओके। तो सब टोस्ट खा रहे थे, तो मेरे लिए भी टोस्ट लाए और मुझे दिया, और मैंने खाया टोस्ट खाया। लेकिन जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा ये तो रेडीमेड ब्रेड थी, पैकेट से निकाली हुई, सब वही खा रहे थे। तो उसमें कुछ गलत, वो सेंटर के लिए नहीं है, प्लीज आप रॉन्ग नहीं लेना, क्योंकि वो तो नॉर्मल चीज है सब सेंटरों में। लेकिन फॉरेन के और कोई कोई भाइयों के पांडव भवन में भी, लेकिन मेरे लिए वो नॉर्मल चीज नहीं थी। तो मैंने पूछा कि ये मेरे को आपने जो टोस्ट दी वो रेडीमेड थी? तो वो सेंटर की बहन अचानक आ गई, वो भी फॉरेनर थी। तो उसने कहा बिन आपके लिए हमने ब्रेड बनाई थी, लेकिन वो फ्लॉप गई, बनी नहीं अच्छी, तो इसलिए हमने लकी किया था कि आपके लिए मैं कुछ और बना दूंगी। लेकिन ये बहनों को तो पता नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको ये रेडीमेड ब्रेड दी, सॉरी। मैं तब तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं मेरे रूम में चली गई। मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत रोना आया, इतना रोना आया कि मेरी मदर ने मुझे इतने साल 20 साल घर में बनाकर रात दिन मेहनत करके ब्रेड खिलाई, और मैंने एक सेकंड में ये धारणा तोड़ दी, तो मुझे रोना आया। लेकिन एक ही सेकंड में, बाबा कहते ना कि फीलिंग का फ्लू लंबा टाइम नहीं चलाओ, तो एक ही सेकंड में मुझे फिर वो ये बात याद आई कि प्रतिभा तूने 20 साल बाहर की ब्रेड नहीं खाई, और अभी आज एक दिन खा लिया एक स्लाइस,
तो उसमें तेरी स्थिति तो बिगड़ गई, तो तेरे को फायदा क्या हुआ? वो 20 साल की धारणा का फायदा क्या हुआ जब तूने एक स्लाइस ब्रेड से तेरी स्थिति को बिगाड़ दिया और रोना भी आ गया? तुरंत ही फुल स्टॉप, तुरंत फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि बाबा तो कहते अन्न का मन के ऊपर असर। तो 20 साल का मैंने खाना खाया घर का, तो मेरी ये स्थिति है कि एक सेकंड में मुझे वो डगमग कर दिया अटैचमेंट के कारण, मां के अटैचमेंट के कारण। तो अपने आप को इतना संभाल लिया अच्छी तरह से कि बाहर जाके ये बहनों को बिल्कुल गिल्टी फीलिंग ना हो बेचारे, और दूसरा बेचारी तो नहीं है लेकिन फिर भी, तो उनको मैंने इतना अच्छी तरह से बहलाया और मैंने कहा वो जो आपकी ब्रेड फ्लॉप हो गई थी वो कहाँ है? तो बोला दीदी अंदर किचन में है। मैंने कहा फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, उसका मैं कुछ बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे ये भी समझाना है कि बाबा के यज्ञ का कणा दाना कितना वैल्यूबल है, लोगों की पाए पाए से वो आता है और हम बस थोड़ा फ्लॉप हो गया तो फेंक दिया, तो ये नहीं चलेगा। तो मैं बाहर जा रही थी, बहुत जल्दी में थी, मैं कहा मैं रात को आके बनाऊंगी, आप बिल्कुल उसको फेंकना नहीं बुलाओगी। तो मैं रात को वापस आई, बहुत जैसे लंबा दिन था लेकिन फिर भी मैं किचन में गई। अभी यह हमारा फॉरेन का सब जगह तो नहीं लेकिन कई सेंटरों में कुछ भी नहीं है, आपको मुझे ये दो वो दो वो दो मसाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है उससे आपको बनाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी धारणा है कि कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में हम कैसे एडजस्ट हो जावे। तो जो भी था ना, थोड़ी हल्दी थी, थोड़ा तेल था और टमाटर थे, तो मैंने टमाटर बारीक काट के थोड़ा ऑयल में भून लिया और थोड़ा जैसे अंदर हल्दी डाल दी, तो ऐसे लगता है जैसे मसाला डाल दिया, और वो जो फ्लॉप हुआ था वो सड़ा हुआ तो नहीं था, बिगड़ा हुआ तो नहीं था, खाली ओवरराइज होकर के जैसे ब्रेड की स्लाइस नहीं बन सकती ऐसा था। तो मैंने उसको थोड़ा तोड़ करके उसको छौंक लगा दिया और टमाटर में इतनी टेस्टी वघारेली ब्रेड बना दी, छौंक वाली ब्रेड, और ये लोग तो लवली लवली करके खाने लगे। तो बोला बेन आपने ये वो ब्रेड में से बनाया? हमने कहा हाँ। बोला ऐसे लग रहा है जैसे एक वैरायटी आपने बनाई, बहुत अच्छी वैरायटी बना दी। तो सार में बिगड़ी को बनाने वाला बाबा आया है, इतनी बड़ी बिगड़ी हुई दुनिया को बना रहा है, ये छोटी छोटी बातों को तो हमें सफल करना ही है। और एक बात है, सड़ा हुआ हम किसी को नहीं देंगे, बिगड़ा हुआ ऐसे नहीं देंगे, लेकिन ये इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कहा जाता है ब्रह्मा भोजन की वैल्यू, अन्न का मन के ऊपर असर। और उस दिन से आज तक मुझे मेरी धारणा में बिल्कुल भी तकलीफ, तकलीफ मतलब कि स्थिति डगमग हो जावे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। परिस्थितियां आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसमें मुझे लेट गो करना, थोड़ा बांध छोड़ करना, ये शब्द लोग बोलते हैं, वो मैं जल्दी नहीं करती। तो दूसरा एक एग्जांपल अन्न के ऊपर सुना दूं, ज्ञान में जाने से पहले ज्ञान में उद्धार। तो अन्न का दूसरा धाम, तो क्या हुआ कि एक कंट्री में मैं, यहाँ नैरोबी से काफी दूर है और वहां पर सेंटर्स है लेकिन बहुत सिंपल सेंटर्स है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है और वहां कोई भी रहने वाला नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट थे वो नहीं थे, तो सेंटर काफी समय बंद रहा था क्योंकि वो कंट्री में वॉर चल रही थी। तो मैं वापस उसको रिवाइव करने लिए गई थी, भाषा भी वहां फ्रेंच चलती है, और मैं ना चक्कर लगाते लगाते बहुत बिजी होते होते मैं वो कंट्री में पहुंची, आइवरी कोस्ट अबिजान। और जब मैं वहां पहुंची तो रात को वो भाई ने मेरे को सेंटर खोल के दिया, बोला दीदी ये चाबी है और ये बाबा का घर है, आपको जहां रहना है जैसे जो करना है आप कर सकते हो। और हमने डोर बंद कर दिया। अब मानेंगे नहीं, वहां थोड़ी कोई माताएं होती है, दीदी आओ आप गरम गरम भोजन कर लो, सब कुछ अपने आप करो,
ऐसे नहीं कि ये आपका रूम अभी सेट किया हुआ है, आप यहाँ सो जाना, आप ही सेट करो, जो भी है उससे करो। तो ऐसे करते थोड़ा बॉडी थक गया था काफी ट्रैवल के बाद, और आगे भी बहुत ट्रैवल करने का था। लेकिन मैं जब पहुंची तो मेरे पास तो पैक डिनर था, तो मैंने जल्दी निकाल करके गर्म करके खा लिया और मैं बाबा की याद में सो गई। दूसरे दिन पूरा दिन बहुत बिजी थी, मैं बहुत बिजी थी, और ऑफ कोर्स मैं वहां पर एक वीक रहने वाली थी और काफी प्रोग्राम्स करने थे पूरा दिन। हम है ना सेवा में बिजी थे, वहां धूप भी बहुत है, तो थोड़ा धूप से भी वो थकान होती है। ऐसे करते मैं शाम को सेंटर में 7 बजे पहुंची। 7 बजे पहुंची तो मैंने नमः शाम का हमारा 7 to 7:30 का योग किया। मैं अकेली थी और फिर मेरे पास जो बचा हुआ कुछ था ना, तो ऐसे ही मैंने गरम कर लिया और मैं रूम में जाके बैठ करके खा रही थी। तो खाने गई ना तो नाक से इतना ब्लीडिंग होने लगा, इतना ब्लीडिंग। वहां पर मेरे चेयर पे टॉवल था, मैंने टॉवल ऐसे रख दिया और पूरा टॉवल, बाथ टॉवल पूरा खून से भर गया। तो मेरे को लगा ये कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो मैंने फोन उठाया और फोन करने का ट्राई किया, लेकिन फोन में वो सिक्योरिटी कोड था, इसलिए मैं नहीं कर सकती, मुझे आता नहीं है, पता नहीं क्या है। तो अभी मैं क्या करूं, तो मेरे सामने कंप्यूटर था, तो मैंने देखा। उस टाइम में तो व्हाट्सएप ये सब कुछ भी नहीं था, जूम और सब, लेकिन स्काइप था। स्काइप में जो ऑनलाइन कोई मेरा जानने वाले बाबा के बच्चे थे, उनको लिखा मैंने कि मेरी ऐसी सिचुएशन है, एक एक हाथ से लिखा, और वो लोग ने वेदांती बेन को कॉन्टेक्ट किया और वेदांती बेन ने मुझे फोन किया। इनकमिंग कॉल में लग सकती हूँ, तो मैंने कहा पता नहीं मेरे को ऐसा हो गया है। तो जो वो जो बाबा के बच्चे थे ना, उनको मैंने बोला ना, तो बोला सिस्टर शायद तेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तो वेदांती बेन ने फिर स्टूडेंट्स को फोन किया, स्टूडेंट्स लोग आ गए, तो भी 45 मिनट्स लगता है, तब तक मैं बस ऐसे बैठी रही और बाबा को याद करती रही। वो लोग दवाई लेके आए केमिस्ट से, मेरे को दिया, फिर थोड़ा खिलाया, तो 10:30 बज गए थे। बोला सिस्टर आप हमारे घर में चलो। तो वो सेंटर में अभी कोई भी धारणा वाला नहीं था कि चलो आपको कुछ खाना बना करके खिलावे, वह सब नए नए स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ ही रहूंगी बाबा के घर में, क्योंकि कल फिर मुझे अमृत वेला भी करना है ना, बाबा के घर में अमृत वेले का वाइब्रेशन भी स्प्रेड करना है। बोला लेकिन आपकी स्टेज फिजिकल बॉडी अच्छी नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगी। और मैं ठीक हो गई और मैं बाबा की याद में सो गई। 10:30-11 बजे था, कंप्लीटली अकेली बाबा के स्थान। और ऐसे करते फिर अबाउट 1:30 को फिर वो ही होने लगा, हमारा पूरा पिलो भर गया और पूरा पिलो। और मैं उठी तो मैंने देखा, तो मैंने जल्दी जल्दी फोन किया, तो भाई बोलता मैं अब भी आता हूँ, 45 मिनट्स उनका ड्राइव करना पड़ता है। वो आया, उसने देखा, बोला सिस्टर अभी मुझे तुमको हॉस्पिटल ले जाना है। अफ्रीकन ब्रदर था बाबा का, बहुत अच्छा भाई। तो बच्चा तो मेरे को बोलता अभी मैं ऐसी स्टेट में उनको कैसे पूछूं कि वो तू मुझे कौन से हॉस्पिटल में ले जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी अच्छी हॉस्पिटल ना हो तो मैं और भी काम बढ़ा करके आ सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो जा रहे मेरे को तो मैं काम बढ़ा दूंगी। लेकिन फिर भी वो भाई बोलता चलो हम ले जाते हैं। तो मैं चुपचाप कार में बैठ गई और फिर धीरे से मैंने बोला ब्रदर वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। तो बोले एक बहुत अच्छी मिशनरी हॉस्पिटल है, मिशनरी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं समझ गई कि चलो अभी फुल स्टॉप, मुझे व्यर्थ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सेफ और अच्छी है। लेकिन एक बात पक्की कर लो, एक तरफ सेफ और अच्छी भी है तो दूसरी तरफ महंगी भी इतनी ही है, ये भी समझो। यहाँ का बाबा का बॉक्स तो इतना चलता नहीं है, सेंटर एक साल तक तो मैं समझती वॉर के बाद बंद था, और मैं जितना लेके आई थी
उसमें मैं थोड़ा यहाँ वहां कर सकती हूँ, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल का बिल तो नहीं भर सकती हूँ। वो भाई ने तब तो पैसा ले लिया और हॉस्पिटल में, तो मेरे को पूछा कि सिस्टर आप जनरल वार्ड में रहेगी या प्राइवेट में। तो एक सेकंड के लिए मैं बाबा की याद में बैठ गई, मुझे जजमेंट लेना है, कोई और तो आजू बाजू है नहीं। तो मैंने बाबा की याद में एक सेकंड और मैंने कहा प्राइवेट वार्ड, प्राइवेट रूम, क्योंकि मैं अभी पैसा बचाने के लिए बढ़ाऊंगी, वेस्ट ऑफ मनी कर दूंगी, तो ऐसे करते मैंने कहा प्राइवेट रूम। और मुझे वो लोग ले गए और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मेरे सब सिटी स्कैन ये सब किया तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आई थिंक आपको भगवान ने बचाया है। तो भगवान ने बचाया है मतलब, तो बोला सिस्टर आपका ब्लड प्रेशर 250/130 120। ये तो काफी साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन बाबा कैसे ड्रामा परीक्षा लेता और कैसे बाबा हमें निश्चय बुद्धि विजयंती बनाता है वो मैं बता रही हूँ। तो कैन यू इमेजिन, हमारा जयंत भाई समझ सकता होगा कि 250/120 मींस व्हाट, और 130। तो मेरे को वो डॉक्टर ने बोला कि सिस्टर आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता था, आपको स्ट्रोक आ सकता था, आपको हार्ट अटैक आ सकता था, आप पैरालाइज हो सकते थे, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन वो जो ब्लीडिंग हुआ ना, वो तो मेरे लिए कल्याणकारी था कि मुझे अलर्ट किया, एक अलार्म बजा मेरे अंदर कि कोई बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी कुछ करो। तो ये भी कल्याणकारी है नेचुरली। और ऐसे करते मैं हॉस्पिटल में थी, तो हमारे जो कॉन्टेक्ट वाले बाबा के बच्चे हैं उनको पता चला, तो वो लोग मुझे सब देखने आए। तो नेचुरली एक भी धारणा में नहीं है, लेकिन ये जो फैमिलीज थी ना, उनके जो भाई लोग हैं वो हमारे कुमार थे, हमारे पास ज्ञान लिया था काफी साल पहले, कुमार थे तब। और उसके बाद तो वहां कोई सेंटर नहीं था, वो लोगों की शादी हो गई, वो बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो वो बीज पड़ा था ना, वो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो बहुत बाबा की यू नो यज्ञ के लिए प्यार है, तो वाइफ उन्हों की युगलों को बहुत सुनाया है कि शुरू शुरू में हमको कैसे सेंटर ने मदद किया, कितनी पालनाएं दी, छोटे छोटे थे, अभी वहां वो बड़े बड़े बिजनेस हो गए और बहुत कमाया है और अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो वो मुझे मिलने आए, तो उसमें से एक भाई ने बोला कि दीदी अभी देखो, उनको तो धारणा का सब पता है लेकिन वाइफ को कोई भी नॉलेज नहीं है, वो बेचारी भूली है, इनोसेंट है। बोलते दीदी मैं क्या बना करके लेके आऊं, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो अभी मैं खाऊंगी क्या, तो नेचुरली फ्रूट तो पूरा दिन फ्रूट पे ही रहना है और कब तक मुझे हॉस्पिटल में रखे। तो वो भाई ने जाकर के चुपचाप वेदांती बेन को फोन किया और बोला बेन देखो आप तो बहुत दूर हो, मोर देन 5000 किलोमीटर से भी जास्ती, तो ये बेन को खिलाएगा कौन, उसको परमिशन दो कि मेरी वाइफ के हाथ का खावे। तो बोला हाँ हॉस्पिटल जाओ, फोन कराओ और मैं उनको समझाती हूँ। तो वो आया, उसकी वाइफ भी आई, तो वेदांती बेन ने मेरे को बोला प्रतिभा देखो अभी तू बहुत दूर है, वहां कोई भी धारणा वाला नहीं है, नियरेस्ट धारणा वाले तो हम है यहाँ, और वो भी वीजा लेने में 2 वीक लग जाता है, मैं किसको भेजू, और जब तक भेजू तो तेरा हॉस्पिटल का ट्रिप भी पूरा हो जाएगा, तो तू समझ जा कि अभी सिचुएशन ऐसी है, तो तू खा ले उसकी वाइफ का, उसमें क्या है। देखो बेन मैं यहाँ हूँ, आप इतने दूर हो, आप मेरी बिल्कुल वरी नहीं करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खा रही हूँ। बोला क्या खा रही हो, मैंने कहा मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी, अभी आप विचार करो, आपको अंदर से लगे कि आपकी बड़ी बहन ने आपको परमिशन दी है तो फिर खा लेना चाहिए ना। ऐसे क्यों, मैं तो मानती हूँ ये भी ड्रामा परीक्षा दे रही है। तो मैंने
वो माता को भी नाराज नहीं करना था। हमारा भाई तो जानता ही था कि ये बहन ऐसे तो लड़को करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा वो माता को, देखो मेरे को क्या मन है पता है? बोला क्या? बोला आज है ना मुझे सैलड खाना है, आपने ना प्लेन सैलड, उसमें कुछ भी उबालना ये वो नहीं करना, प्लेन सैलड बना के ले आना, ऑनियन गार्लिक नहीं डालना। तो बोला हाँ वो तो मैं नहीं डालूंगी मुझे पता है। तो वो बहुत खुश हो गई और फिर मैंने कहा शाम के लिए तू थोड़ा फ्रूट सलाद लेना, और फ्रूट सलाद में खाली फ्रूट जूस डालना, दूध और ये सब नहीं डालना, और खाली फ्रूट काट करके उसमें थोड़ा जूस डाल देना, फ्रेश शुगर या कुछ भी नहीं। तो वो भी बहुत खुश हो गई। तो मैं रोज मैं कहती वो तूने बहुत अच्छा बनाया था वही लेके आना, वो तूने बहुत अच्छा, तो वो तो इतनी खुश होती कि दीदी मेरा खाना खा रही है। और मैं जानती हूं कि मेरी युक्ति कैसे काम कर रही है। उसका हस्बैंड भी जानता है कि ये दीदी भी बहुत क्लेवर है, सब तरफ से जैसे सबको वो खुश कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सेंटर में गई ना, तो हमारा रक्षाबंधन का पब्लिक प्रोग्राम था, और मैं गई तो 4 दिन तो कुछ ऐसा खाना खाया नहीं था, इसलिए जाके तो पहले मैंने खाना बनाया, और वो भाई जो मेरे को हॉस्पिटल ले गया था वो मुझे लेने आया, उसको भी हमने खिलाया, और उसको खिलाया, मैंने खाया, और फिर ब्रह्मा भोजन बनाना शुरू किया, क्योंकि शाम को रक्षाबंधन है तो नेचुरली हम अकेले करेंगे। तब मैंने वो माताओं को बुला लिया कि आप आ जाओ, मुझे थोड़ा काटने में ये करने में हेल्प करो और मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे करते हमने बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा भोजन भी किया, पब्लिक प्रोग्राम भी किया, रक्षाबंधन भी मनाई सब। तो मैंने वो जो हमारा भाई था अफ्रीकन उसको पूछा, मैंने कहा कितना बिल आया, तूने पे कर दिया था ना? तो बोला नहीं मैंने तो नहीं पे किया, मेरा पैसा तो मुझे वापस मिल गया सारा, पेनी पेनी मिल गई। तो मैंने कहा तो फिर तूने पैसा मेरे से तो लिया नहीं, कैसे पेमेंट किया, हमको डिस्चार्ज कैसे किया? बोला बेन मेरे को बोलने को ना बोला है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं कहा किसने ना बोला? तो वो जो हमारे कुमार थे ना जो अभी फैमिली वाले हैं, उन्होंने ना बोला था, तो उन्होंने पे कर दिया पूरा बिल। तो मैंने बहुत दोनों भाइयों को पूछा, तीनों को, कि भाई आपने कितना पे किया, मुझे खाली नॉलेज तो दो। बोला बेन आपको ये सब बातों में जाना ही नहीं है, बाबा ने आपको बचा लिया वही इनफ है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हो आप, ये पैसा तो क्या है, आप भूल गए जब हम छोटे छोटे थे तो आप हमको कैसे पालना देते थे, कैसे आप हमको खिलाते थे, खुश करते थे, क्लास कराते थे, और अभी आप हमको पूछ रहे हो कि हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ। तो मुझे वो तो पता है कि काफी लंबा हुआ था, लेकिन आज तक भी इतने सालों में उन्होंने मुझे बताया नहीं कि कितना हुआ। बोला आपके ही ब्लेसिंग से हम इतना कमाए हैं और अभी भी कमा रहे हैं, फिर आपको हमको हॉस्पिटल के बिल का क्यों पूछ रहे हो? तो दो बात इसमें समझने की है, एक धारणा ड्रामा आपकी परीक्षा लेगी, परीक्षा में ऐसी स्टेज आएगी जैसे कि आप ब्रिंक पे खड़े हो। ब्रिंक मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे एक तलवार की धार होती है ना उसके ऊपर खड़े हो, इस तरफ जाएंगे तो भी गिर कट जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो भी कट जाएंगे, लेकिन फिर भी निश्चय बुद्धि विजयंती कि ड्रामा कल्याणकारी है, बेस्ट ही होने वाला है। और उसमें दूसरा कि जो बीज हमने पालना के रूप से बोया वो बीज कभी ना कभी उसका फल जरूर निकालेगा। उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो कॉन्शियसनेस से बीज बो कि मुझे उसका फल चाहिए, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से बो और उसमें मेरी दृढ़ता डिटर्मिनेशन इतना पक्का रहे कि वो फल निकलेगा ही निकलेगा, आज नहीं तो कभी भी निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारा इतना प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस है धारणा का खाने का। और ऐसे ही एक बार मैं एक टाउन से दूसरे टाउन जा रही थी, तो एक बहन ने बोला
कि दीदी मैं आपकी बैग पैक कर दूं, एक ही रात की तो आपकी स्टे है, तो इनका चलो कर दो ऐसे तो मैं अपने आप ही कर दी हूँ, लेकिन उसने कर दिया मेरी बैग पैक। और मैं जब वहां पहुंची तो किसी के घर में मुझे प्रोग्राम करना था, सेंटर तो वहां था नहीं। और ऐसे कंट्रीज है जिस कंट्री में साड़ियां और ये सब कुछ नहीं मिलता है वहां, ये तो इंडिया और कोई कोई कंट्री में साड़ी मिलती है लेकिन और जगह थोड़ी मिलता है। तो मैं जहां पहुंची तो मैंने देखा वो बहन ने मेरी साड़ी नहीं रखी थी बैग में। तो एक तो बात ये कि अपना काम अपने आप ही करो, दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, और दूसरा कि अभी मैं क्या पहनू, इनका मैं पहनू क्या। तो वो एक माता थी, बोलती मेरे पास है लेकिन थोड़ा बॉर्डर वाली है, ऐसे थोड़ी बॉर्डर है तो वाइट ही है लेकिन उसमें थोड़ा फूल है और बॉर्डर है, आप पहन लो। मैंने नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, बोला उसमें क्या है। मैंने नहीं, मेरे को बाबा ने नए जन्म में मरजीवा जन्म हुआ मुझे ये यूनिफॉर्म दिया और मैं ये उन यूनिफॉर्म से बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत उसका क्या बोलते गौरव है, मुझे नहीं पहनना है। तो बोला तो आप क्या पहनेगी। मैंने कहा मैं है ना रात को धुलाई कर देती हूँ और सुबह वही साड़ी पहन लूंगी, कोई हर्जा नहीं। तो मैंने एक लेसन लर्न किया, अपने आप ही पैक करो ताकि आप एक्यूरेट हो। और दूसरा कि मैंने ऐसा किया तो माता बोलती बहन आपको थोड़ा तो छोड़ बांध करना चाहिए, क्या इतना रिजिड आप हो। मैंने कहा नहीं, रिजिड की बात नहीं है, आज मैंने बॉर्डर वाली साड़ी पहनी, कल मैं यहाँ खाऊंगी वहां खाऊंगी, फिर परसों में वो भाई के बाजू में जाके बैठूंगी, फिर आप समझ सकते हो क्या होगा। तो बोला हाँ। तो मैंने कहा तो मेरी धारणा का लिमिट कहाँ स्टॉप होता है, यहाँ ही स्टॉप होता है, आगे जाकर के कुछ नहीं हो सकता है, फिर हम रिवर्स नहीं जा सकते हैं। भगवान ने हमें जो धारणाएं दी है, प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो बहुत बहुत सोच समझ कर दिया है, भगवान को सोचना नहीं पड़ता लेकिन हमको सोचना है। तो ऐसे करते हम आप उसको रिजिड कहो या स्टबन कहो, आपको जो टाइटल देना है दे सकते, लेकिन मैं यहां से वहां होने वाली व्यक्ति नहीं हूं। तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट उस बातों में हूं और मुझे अच्छा लगता है। किसी ने बोला आप फलाने की शादी में जाती, मैं कहा नहीं मैं गई तो कभी नहीं हूं, लेकिन कभी लेक्चर या ब्लेसिंग करने जाती हूँ, मैं यही कपड़ा पहनती हूँ, मैं और कोई कपड़ा थोड़ी पहनूंगी। आप यूनाइटेड नेशंस में लेक्चर करने जाते हो आप क्या पहनते, मैंने कहा यही पहनूंगी ना, साक्षात्कार तो मुझे इसमें कराना है। तो बाबा ने हमें यूनिफॉर्म दिया है, उनके मन के ऊपर धारणा दी है, पवित्रता की धारणा दी है, जितनी भी धारणाएं हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पढ़ाई की बात आती है, तो पढ़ाई में कई बार क्या होता है, चलो अभी तो मुरलियां बहुत हैंडी हो गई है, हैंडी हो गई है मतलब कि एक क्लिक करो और आपको मुरलियां आपके हाथ में मिल जाती है, पढ़ भी लेते हो, थोड़ा खाते खाते पढ़ते हो, थोड़ा सोते सोते पढ़ते हो, थोड़ा ड्राइव करते करते मुरली सुनते हो। तो वो जो क्वालिटी पढ़ाई की है ना, क्वांटिटी बढ़ गई, एक्सपेंशन बहुत हो गया, लोग तरह तरह की बातें सुनते हैं। देखो हमारा भी ये यूट्यूब पे बहुत सुनेंगे लोग, लेकिन ताकत इतनी नहीं है। पहले हम खाली एक मुरली सुनते थे या पढ़ते थे, लेकिन मुरली में कितनी ताकत थी। तो एग्जैक्टली क्या है कि आज ये जो खाना है ना शॉप्स में, आप देखो वैरायटी मिलता है, ब्रेड कितनी तो बोलते हैं 20 वैरायटी की है, होल ग्रेन है, ब्राउन ब्रेड है, राई ब्रेड है, ये वो है, ताकत कुछ भी नहीं है एक में भी, केमिकल्स से भरा हुआ है। ऐसे ही आप देखो पहले के टाइम में मिर्ची एक टाइप की मिलती थी, लेकिन वो मिर्ची में टेस्ट था, ताकत थी, टमाटर एक टाइप का मिलता था लेकिन कितना टेस्टी था, और अभी तरह तरह की मिर्ची भी मिलती है, हर रंग की मिलती है, हर ढंग की मिलती है, लेकिन कोई में भी कोई मजा नहीं है। तो क्वांटिटी बढ़ गई है लेकिन क्वालिटी जीरो है, कोई भी ताकत नहीं। तो इसी प्रकार से बाबा की मुरली, तो कल ही हम लोग मॉर्निंग क्लास में ये चैट कर रहे थे,
कि मुरली तो कोई भी पढ़ सकता है, आप गूगल में भी डाल दो ना तो वो भी आपको पढ़ा पढ़ा के सुना देगा, और आप कॉफी का चाय का मग लेके आराम से बैठे रहेंगे, पीते रहेंगे, थोड़ा झुटका भी आ जाएगा और सुनते रहेंगे। लेकिन नहीं, पढ़ाई में सबसे पहले मेरी डिसिप्लिन चाहिए, जिस डिसिप्लिन को भी मैं धारणा कहती हूँ। तो उसमें मेरे को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था कि एक बार बहुत पुराने सेंटर, लेकिन वो सेंटर फिर क्या हो गया, गीता पाठशाला बन गई, क्योंकि स्टूडेंट्स सब जाने लगे और देशों में बसने लगे, कोई कोई ने शरीर छोड़ दिया, तो गीता पाठशाला बन गई। और गीता पाठशाला में वो जो मेन भाई बहन थे ना, माता और भाई, वो लोग शिफ्ट हो गए थे इंडिया, तो वहां का जो भाई था उनका बेटा, वो तो पढ़ाई थोड़ी करता था, लेकिन बाबा का घर खुला रखता था, जिसको आना है क्लास करो, नहीं आना है कोई नहीं, बहने आती है तो रहती है, खाना बनाती खाती है। तो मैं ना मेरा डॉक्यूमेंट्स के लिए गई थी, तो पता नहीं चलता डॉक्यूमेंट्स कब तैयार होंगे, मैं कब वहां से निकलूंगी, आगे जाऊंगी। तो मुझे एक महीना हो गया, तो एक महीने में मैं वहां क्या करती थी, लोगों को दिन में तो मिलती थी, ज्ञान सुनाती थी, बहुत कुछ करती थी, लेकिन मॉर्निंग क्लास में कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ, कंप्लीटली अकेली, मैं और बाबा। तो मैं ना अमृत वेला करके, फिर स्नान करके, फिर रेडी होकर के, फिर योग करके मुरली पढ़ती हूँ। लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाता था, क्योंकि फिर मैं करूँ क्या, क्योंकि घर वाले तो सब अभी तक सोए पड़े हैं, मैं कुछ सेंटर है तो मैं ये काम वो सेवा ये वो करती हूँ, लेकिन वहां मैं क्या करूँ, मैं ऐसे चल भी नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं आवाज करूंगी तो उनको जगा दूंगी। तो मैंने अपने आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया कि मैं ना अमृत वेला कर लू सुबह, और अमृत वेले के बाद मैं मुरली पढ़ लू, मुरली पढ़ करके फिर मैं सो जाऊं जाके, फिर वो लोग जब उठे और घर में थोड़ा आवाज हो तब मैं निकलू बाहर, तो नेचुरली स्नान करके सो जाऊं। तो मैं वो करने लगी, लेकिन मुझे मजा नहीं आता था कि मैं मुरली मन में ही मन में पढ़ू। मुझे एक दिन मुरली पढ़ते पढ़ते विचार आया, मैंने कहा हाई मुझे तो किसी को लाउड मुरली सुनाना है, तो गरज करके मुरली सुनाना है, और यहाँ तो कोई है नहीं जिसको मैं मुरली सुना सकती हूँ, एक महीने से तो मैं मन में ही मन में पढ़ रही हूँ। तो ऐसे करते फिर मैं अमृत वेला पूरा करके रेडी होकर के जाके सो गई। तो सो गई, तो अभी तो मैं अंदर गई रूम में और डोर बेल हुआ, क्वार्टर पास्ट फाइव, कौन डोर बेल कर रहा है। तो मैं वंडर खा गई, तो वो भाई घर का जो भाई था वो भी जग गया और उसने दरवाजा खोला, तो एक माता खड़ी थी जिसको वो भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती, एक माता खड़ी थी। तो मैं तो अभी भी बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा भी कमाल है। तो हमने कहा अंदर आओ आप, तो अंदर आए, फिर बोला दीदी सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, आ जाओ। तो मैं बाबा के रूम में उनको ले गई, वो भाई जाके सो गया। तो वो माता ने मेरे को बताया कि दीदी मैंने ज्ञान लंदन में लिया है, मैं हूँ यहाँ की ये देश की, लेकिन मैंने ज्ञान लंदन में लिया क्योंकि मेरी लौकिक मदर लौकिक बहन ज्ञान में, और मैं रहती दूसरी सिटी में हूँ, लेकिन अभी कल मैं लंदन से वापस आई, तो मेरे को किसी ने बोला यहाँ ब्रह्मा कुमारी बहन आई है, तो आपका कॉन्टेक्ट दिया, लेकिन फोन किसी ने मतलब उठाया नहीं। तो मैंने सच चलो मैं चली ही जाती हूँ, क्वार्टर पास्ट फाइव, तो मैं बहन को मिल लूँ, फिर मैं दूसरे दिन तो जा रही हूँ, तो उनके सिटी में जा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा आपको तो बाबा ने भेजा, क्योंकि आज सुबह अमृत वेला मैंने संकल्प किया कि मुझे मन में ही मन में मुरली पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लाउड किसको सुनाना है, तो पहले तो मैं आपको मुरली ही सुना देती हूँ, हाँ प्लीज दीदी सुनाओ, उसकी भी उतनी लगन और मेरी भी इतनी तड़प, और क्यों तड़प बढ़ गई कि बाबा ने मेरा संकल्प भी सुन लिया देखो। तो इतने प्यार से हमने मुरली सुनाई, और उसके बाद फिर वो बहन ने बोला ऐसे तो मैं कल जा रही हूँ मेरी गाँव में, लेकिन अभी आप यहाँ हो ना,
मैं नहीं जाऊंगी, मैं रोज मुरली सुनने आऊंगी। मैंने कहा प्लीज आना आप। तो ऐसे करते एक तरफ वो बहन भी रोज आने लगी क्लास में और हम दोनों क्लास करने लगे और मेरा डॉक्यूमेंट भी हो गया और फिर मेरे का भी जाने का हो गया, वो बहन को भी जाने का। तो देखो हमारी लगन कहो या रियलाइजेशन कहो, दो बात है। कई बार आप हरे भरे क्लास में बैठ करके आराम से मुरली सुन रहे हो, टीचर सुना रही हो, आप आपके कंफर्ट जोन में हो, आपको कभी ख्याल नहीं आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन अभी COVID-19 के कारण सबको वैल्यू का पता चलने लगा है कि संगठन में बाबा के घर में बैठ करके मुरली गॉडी स्टूडेंट बन करके सुनना कितना अलग है। सब तड़प रहे हैं कि मैंने हमको सेंटर में आना है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। भले हमको साइंस ने सुविधा दी है लेकिन सुविधा भी तो उसकी भी तो लिमिट होती है। तो ऐसे करते पढ़ाई का भी मैंने रियलाइज किया। तो कल हम जो चैट कर रहे थे ना, वो कर रहे थे कि मुरली तो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें क्या है। लेकिन ये सर्कल, ये साइकिल आप याद रखना, जिसने पक्की धारणा की है ना, वो ही मुरली इफेक्टिवली पढ़ सकता है और सुना सकता है। और वो मुरली से ही आपकी धारणा पक्की और इफेक्टिव होगी। तो इट्स अ सर्कल, उसका बिगिनिंग नहीं है, उसका एंड नहीं है, सर्कल है। तो इसलिए मुरली पढ़ते समय बाबा हमेशा कहता है कि आत्मा समझकर बैठे हो। जो बाबा को मतलब मुरली के बाद ही हम आत्मा समझकर बैठने की प्रैक्टिस करेंगे, तो बाबा ने पहले दिन ये क्यों कहा। तो इसलिए मेरी पढ़ाई भी बहुत रुचि वाली और टू द पॉइंट हो। भले हम हर सब 100% तो नहीं है लेकिन बनना तो अवश्य है। और दूसरा हमें वो समझना भी है, देखना भी है, तो हमारा सब्जेक्ट पक्का होता जाएगा। जैसे हमने धारणा की बात बताई ना आपको, उसमें अन्न की बात बताई, पवित्रता की थोड़ी बात बताई, तो इसी प्रकार से पढ़ाई का मैंने बताया। तो मैं तो है ना एयरपोर्ट पे भी बैठ के मुरली पढ़ लेती हूँ, प्लेन में भी पढ़ती हूँ, बस में भी पढ़ती हूँ, क्योंकि जो टाइम जहाँ होता है वहां पढ़ लेते हैं, क्लास का टाइम होता है तो ट्रैवलिंग में। लेकिन फिर भी ढंग से बैठ करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से बाबा ने हमें सेवा, तो सेवा भी बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय स्वास संबंध, ये तो आप लोगों को सबको मेरे से भी जास्ती पता होगा। लेकिन सेवा की जब बात आती है ना, तो जब हम मनसा से सेवा थ्रू द माइंड, सर्विस थ्रू द माइंड, तो अभी ये COVID-19 में 5 महीने से काफी बाबा के घरों में धुनी दिखाई है, बहुत भट्टियां हो रही है। तो हम लोगों ने भी इतनी अच्छी अच्छी भट्टियां की, तो बाबा ने सालों से मनसा सेवा की बात की है। लेकिन हम है ना तन की सेवा और धन की सेवा और ये क्या बोलते हैं वाचा की सेवा में इतने व्यस्त थे, इतने व्यस्त, ये प्रोग्राम सेट करना है, लाख का प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम, उसमें ही व्यस्त हो गए थे। और वो सब प्रोग्राम करने में हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा खाना भी डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी पढ़ाई मुरली क्लास भी डिस्टर्ब हो जाता है, योग भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो सेवा बहुत अच्छी सेवा है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो चीजें हमारे से ले लेती है कोई चीज और फिर देती है तो उसका मतलब क्या हुआ। लेकिन जो चीजें है वो तो रहे, वो मल्टीप्लाई हो और फिर उसमें एड हो। तो ड्रामा ने देखा कि मेरे बच्चे भी मस्त हो गए हैं सेवा में, इसलिए अभी थोड़ा पॉज कराते हैं। और पॉज करा करके देखो ये मनसा सेवा का काम दे दिया और बहुत अच्छी सर तरह से सब जगह चल रहा है। तो मैं आपको सुनाऊं कि हमने तो ये
महीने में 3-4 महीने में बहुत अच्छी अच्छी भट्टियां की, इतनी अच्छी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अभी ये 14 डेज से हमारी भट्टियां 18th जुलाई से 31st जुलाई तक हम लोगों ने, बहनों ने, 10 बहनें हैं घर में, और तो कोई आ नहीं जा सकता, तो 10 बहनों ने एक एक स्थान चिट्ठी उठा करके चूज किया ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि हमारा क्या है, एक धारणा है हमारे बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे है। तो कई बार क्या होता है, बहने थोड़ा काम नीचे पूरा करके फिर रूम में चली जाती है, थोड़ा काम पूरा करके रूम में चली जाती है। तो ये रूम में जाने की हमारी पक्की वो है कि सुबह उतरे, फिर आफ्टरनून में जो चांस मिले तो जाओ, न चांस मिले तो कोई अर्जा नहीं, नहीं तो रात। ये हमारा पक्का है। घड़ी घड़ी रूमों में चले जाना वो राइट नहीं बात है, क्योंकि ये हमारी पब्लिक टाइम है, पब्लिक टाइम को पर्सनल टाइम में यूज करना गलत बात है। हाँ, तो इसलिए हम घड़ी घड़ी जाते नहीं है। तो इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा ऑफिशियल फ्लोर है ना, तो वहां पर भी हम लोग ने 10 जगह चुनी और 10 जगह वेदांति बहन ने चुनी, और उसपे एक एक जगह स्थान का नाम और उसपे एक देवी का नाम। जैसे मेरा सुख की देवी, हाँ, कोई शांति की देवी, कोई ज्ञान की देवी, कोई पवित्रता की देवी, तो ऐसे ऐसे लिखा है। फिर सब चिट्ठी रख दी और हम लोगों ने पिक किया। तो क्या होता है, हमेशा तो बड़ी बहनों का टर्न पहले आता है, वेदांती बहन बोलती नहीं, बड़ी बहने लास्ट, छोटी से शुरू करो। तो छोटी ने पिक किया, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने, तीसरी, ऐसे करके हमारे लास्ट नंबर आए। हाँ, लेकिन फिर भी इतनी एक्यूरेट जगह सबको मिली, बहुत एक्यूरेट जगह और बहुत एक्यूरेट देवी। हाँ, तो अभी 18th से हम लोगों ने क्या किया, वो जगह को गुफा बना ली। जो हमको जगह मिली है उसको हमने गुफा नाम दिया, और वो गुफा में घड़ी घड़ी जाकर के बैठ करके तपस्या कर, साइलेंस नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑनलाइन इतने प्रोग्राम्स ले लिए हैं कि साइलेंस का तो मार्जिन ही नहीं है। लेकिन पूरे दिन में जितना भी टाइम मिल गया, आधा घंटा मिला, 15 मिनट मिले, अभी के टाइम में, आज के टाइम में क्या करते हैं, फोन उठा करके बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं, टाइम मिला भागो गुफा में, टाइम मिला भागो गुफा में, काम जल्दी पूरा करो भागो गुफा में, और वहां जाकर के बाबा के साथ इतना अच्छा लग रहा है, और इतने अच्छे अच्छे हमने संकल्प बनाए हैं और तपस्या की है। तो अभी हमारा ये चल रहा है, और मेरी स्थिति क्या है कि मैं सुख की देवी हूँ, अपने आप भी, मेरे तन को, मन को मुझे सुख देना है, औरों को भी देना है। तो ऐसे करते हमारी गुफा का काम चल रहा है अभी 31st तक। तो हम एक दूसरे को भी हंसते हैं, मेरी गुफा में आना, हाँ, इनविटेशन देने में हम इनविटेशन देते हैं, तो बस अभी मैं पूरा ही कर रही हूँ। तो ऐसे करते बहुत ही अच्छी तरह से, ऐसे काफी पॉइंट्स रह गए, लेकिन जितने सुनाए ड्रामा अनुसार इतना ही आपको जरूरत था। तो हमने मतलब सेवा से तो हमने क्या है, धन की बातें और तन की बातें, संबंध की, स्वास्थ्य की बातें, वो सब बहुत गुह्यता है, बहुत गुह्य है ये सब सेवाएं भी। लेकिन एक जल्दी जल्दी मनसा सेवा की बात सुना दी, और हमारे क्या चारों सब्जेक्ट में हमने ज्ञान तो समझा, ज्ञान लिया और दिया, मुरली पढ़ी, पढ़ाई, और दूसरा हमने ये भी समझा कि योग क्या है, धारणा क्या है, ना सेवा। तो सार में मैं इतना ही कह करके स्टॉप करती हूँ, क्योंकि फिर अभी नेक्स्ट स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, सुख की देवी को हमारा सलाम। आज तो हम आपका ज्यादा समय नहीं ले सकते, आपने पहले से ही बोला है, हम समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, आज तो बस थैंक यू कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उनको दूसरा तुरंत प्रोग्राम है, हमको पहले ही बांध दिया है आज, और वो ठीक भी है, भले ओम शांति कर दो। थैंक यू, ओम शांति। अभी एक मिनट बाबा को याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।